विवाद बनाया जा रहा है, गलत चीज़ें बताकर उनको भड़काया जा रहा है। बेरोजगारी की जो बात करते हो, कौन सी बात कर, सेना कभी रोजगार का ज़्यादा युवाओं को लिया जाए उसके बाद जब वो ट्रेन हो जाते हैं, यहाँ पे तो मुझे युवा अनुशासित नहीं दिख रहा। विवाद कुछ नहीं है लेकिन विवाद बनाया जा रहा है, और क्योंकि विपक्ष के पास बाकी कुछ नहीं है, उधर ईडी के अंदर घेराव हो रखा है, तो लोगों का गलत चीज़ें बताकर उनको भड़काया जा रहा है। सर ये जो ये जो स्कीम है सरकार ने अभी निकाली है, अभी तो चालू ही नहीं हुई, तो उसमें विवाद कैसा है। दूसरी चीज़, 40 या 45 बच्चों में से एक आदमी रिक्रूट होता है, तो बेरोजगारी की जो बात करते हो, कौन सी बात कर रहे हैं। सेना कभी रोजगार का एक वो नहीं था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रोजगार लेते हैं। सेना और बाकी फोर्सेस में रोजगार मिलता है लेकिन शर्तों पर मिलता है, उसके लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसके अंदर भी वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, और उसके बाद अगर आप अच्छा करेंगे तो आप में से 25% जो है वहाँ पर रिटेन किए जाएंगे, और ये जो बाकी लोग हैं उनके लिए एक अच्छा फाइनेंशियल पैकेज रखा गया है ताकि उनको दिक्कत ना हो। साथ साथ बहुत से स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हमारा गृह मंत्रालय है, जिन्होंने कहा है कि जो लोग आएंगे 4 साल के बाद उनको हम प्राथमिकता पर, वरीयता पर उनको अपने फोर्सेस के अंदर लेंगे, तो उसमें विवाद कहाँ रहा। सर ये रिवैम्प जरूरी था, एक सेकंड सर, ये रिवैम्प जरूरी था क्या? एक सेकंड आपको नहीं समझता, रिवैम्प जरूरी था, रिवैम्प की वजह क्या थी प्लीज, ये रिवैम्प की वजह क्या थी? एक सेकंड, फौज के अंदर हमेशा अलग अलग तरीके से चीजों के बारे में सोचा जाता है, जरूरी नहीं है कि हम एक ही ढर्रे पर चलेंगे। तो सोचा गया कि इसके अंदर ज़्यादा युवाओं को लिया जाए, उसके बाद जब वो ट्रेन हो जाते हैं वो बाकी समाज में जाएंगे, अनुशासित होंगे, लेकिन यहाँ पे तो मुझे युवा अनुशासित नहीं दिख रहे। अभी के सिस्टम में कोई खामियां थी? अभी खबरों के पीछे की खबर पहुँचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।